भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंदसौर पहुंचे, जहां उनके द्वारा विशाल आम सभा को संबोधित किया गया। चंद्रशेखर ने मंच से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। मंदसौर के किसान आंदोलन तथा शराब कांड सहित दलितों के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया गया। जिले के स्वासरा से मंदसौर का करीब 60 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल रहे। चंद्रशेखर ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जितना अन्याय कमजोर वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस अन्याय से परेशान होके वो लोग न्याय के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। जबरन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और जो घटनाएं यहाँ होती है, सरकार और पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम करता है। इससे यहाँ की जनता में बहुत बेचैनी है। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे एक अपील की थी कि आप आइए, आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग सत्ता विपक्ष से भरोसा नहीं करते हैं, वो अब आज़ाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ सभी जनपदों में जा जाके बड़ी बड़ी सभाएं करके कमजोर वर्ग के लोगों की जो के साथ जो अन्याय हो रहा है उस आवाज को उठाने का काम करें। दो हजार तेईस में मध्य प्रदेश से जो है डबल इंजन की जो सरकार है उनकी यहाँ से विदाई तय करनी है, और 2024 में देश को बेचने वाली केंद्र सरकार जो चीते तो लाती है लेकिन काला धन नहीं लाती, जो बेरोजगारी पे नहीं बोलती, जो महंगाई पे नहीं बोलती, जो निजीकरण पे नहीं बोलती, जो अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलती, जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती, जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने का काम करती है, उस सरकार की विदाई तय करने का काम कमजोर वर्ग के लोग पूरे देश में करने जा रहे हैं। यही 2024 का मिशन है कि भारतीय संविधान की रक्षा जो है वो कमजोर वर्ग के लिए प्रायोरिटी है, उस संविधान की रक्षा के लिए वो लोग अपनी वोट का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करेंगे। सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े होंगे? सभी सीटों पर तैयारी की जाएगी, बाकी यहाँ हमारे प्रदेश के जो प्रभारी प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में सदैव रहूँगा। मैं यहाँ आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि यहाँ के नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं, मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? पिछड़े वर्ग के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ, 27% रिजर्वेशन की जगह 14% रिजर्वेशन मिला, तो ऐसे पिछड़े मुख्यमंत्री का नाम का पिछड़ा, जात का पिछड़ा होने से पिछड़े वर्ग का भला नहीं होगा। पिछड़े वर्ग के लोगों में भी बड़े पैमाने पर ये अंदरूनी रूप से बात चल रही है कि इस बार इस सरकार को बदलना है, वो भी मन मना रहे हैं। आशा उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी को उनका भी बड़ा सहयोग जो है इस बार मिलने जा रहा है।